गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। कुछ साधकों ने अपने अनुभव पूज्य गुरुदेव की पुस्तक में प्रकाशित करवाए थे, जिसमें उनको रोगों से मुक्ति मिली थी। आइए हम उन्हीं साधकों के अनुभव को जानते हैं कि गायत्री साधना से उनके विपत्तियों का निवारण कैसे हुआ। सनातन धर्म में मंत्र जाप का बहुत महत्व माना गया है। युगों पहले भी हमारे ऋषि मुनि सदैव मंत्र जाप करते थे। आज के समय में भले ही आधुनिकता में किसी के पास इतना समय ना हो कि वो मंत्र जाप आदि के लिए समय निकाल सके, लेकिन आज भी मंत्रों की शक्ति उतना ही महत्व रखती है। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप करने से जीवन की नकारात्मकता को दूर करके हम सकारात्मक बन सकते हैं और सभी मनुष्य सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई मंत्रों की जानकारी दी गई है जिनका यदि हम नियमित रूप से जाप करें तो गंभीर रोगों से राहत पा सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमको अपनी दवाई भी जारी रखनी चाहिए। रोगों का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। यदि किसी को एक बार कोई बीमारी हो जाए तो फिर उससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रोग हुआ नहीं कि दूसरा रोग उसके पीछे पीछे आ जाता है। मनुष्य इससे परेशान हो जाता है। एक मुसीबत के साथ कई कठिनाइयां आ जाती हैं। चारों ओर से मनुष्य रोगों से घिरा हुआ एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ अपने आप को अनुभव करता है। ऐसे में गायत्री साधना हमको एक राह दिखाती है कि किस तरह से हम अपने रोगों को कष्टों को दूर कर सकते हैं, आपत्तियों का निवारण कैसे कर सकते हैं। इसके कई उदाहरण हमको साधकों के द्वारा प्राप्त होते रहते हैं। इंदौर कांगड़ा के चौधरी अमर सिंह एक ऐसी जगह बीमार पड़े जहाँ की जलवायु बड़ी खराब थी और जहाँ कोई चिकित्सक खोजी नहीं मिलता था। उस भयंकर बीमारी में गायत्री प्रार्थना को उन्होंने औषधि बनाया और वो धीरे धीरे अच्छे हो गए। मुंबई के पंडित राम शरण शर्मा जब गायत्री अनुष्ठान कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनके पिता माता सख्त बीमार हो गए, परंतु अनुष्ठान के प्रभाव से उनका बाल भी बाका ना हुआ, दोनों ही निरोग हो गए। इटोआ धुरा के डॉक्टर राम नारायण जी भटनागर को उनकी स्वर्गीय पत्नी ने स्वप्न में दर्शन देकर जप करने की शिक्षा दी थी। तब से इस साधना में बराबर लगे रहे। चिकित्सा क्षेत्र में उनके हाथों में ऐसा यश आया था कि बड़े बड़े कष्ट साध्य रोग उनकी चिकित्सा से अच्छे होने लगे थे। कनकुआ जिला हमीरपुर के लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव BA LLB की धनपत्नी प्रसव काल में अत्यंत कष्ट पीड़ित हुआ करती थी। गायत्री उपासना से उनका कष्ट बहुत कम हो गया। एक बार उनका लड़का मोतीझरा से पीड़ित हुआ। बेहोशी और चीखने की दिशा को देखकर सब लोग बहुत दुखी थे। वकील साहब की गायत्री प्रार्थना के द्वारा बालक को गहरी नींद आ गई और वो थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गया। जफरापुरा के ठाकुर राम करण सिंह जी वैद्य की धर्मपत्नी को 2 वर्ष से संग्रहणी की बीमारी हो गई थी। अनेक प्रकार से चिकित्सा कराने पर भी जब लाभ ना हुआ तो 25 लाख जप का अनुष्ठान किया गया। फलस्वरूप वो पूर्ण स्वस्थ हो गई और उनके एक पुत्र भी पैदा हुआ। कसराबाद निमाण के श्री शंकरलाल व्यास का बालक इतना बीमार था कि डॉक्टर वैद्यों ने आशा छोड़ दी। 10,000 गायत्री जप के प्रभाव से वो अच्छा हुआ। एक बार व्यास जी रास्ता भूलकर रात के समय ऐसे पहाड़ी बीहड़ जंगल में फंस गए जहां हिंसक जानवर चारों ओर से शोर मचाते हुए घूम रहे थे। इस संकट के समय उन्होंने गायत्री का ध्यान किया
और उनके प्राण बच गए। अमरावती के सोहनलाल मेह रोत्रा की स्त्री को भूत बाधा बनी रहती थी। बड़ा कष्ट था, हजारों रुपया खर्च हो चुके थे। स्त्री दिन रात घुलती जाती थी। एक दिन मेहरात्रा जी से स्वप्न में उनके पिताजी ने कहा, बेटा गायत्री का जप कर सब विपत्ति दूर हो जाएगी। दूसरे दिन से उन्होंने वैसा ही किया, फलस्वरूप उपद्रव शांत हो गए और स्त्री निरोग हो गई। उनकी बहन की ननद भी इस गायत्री जप के द्वारा भूत बाधा से मुक्त हुई। बांसवाड़ा के श्री सीताराम मालवीय जी को क्षय रोग हो गया था। एक्स्ट्रा होने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़े खराब हो गए हैं। दशा निराशाजनक थी। सैकड़ों रुपए की दवा खाने पर भी जब कोई आराम न हुआ तो वे एक वयोवृद्ध विद्वान के आदेश के अनुसार उन्होंने चारपाई पर पड़े पड़े गायत्री का जप आरंभ कर दिया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि मैं बच गया तो अपना जीवन देश हित में लगा दूंगा। प्रभु की कृपा से वे बच गए। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधार हुआ और बिल्कुल भले चंगे हो गए कुछ ही दिनों में। तब से अब तक वे आदिवासियों, भीलों तथा पिछड़ी हुई जातियों के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। थर पार करके करण दास जी का लड़का बहुत ही दुबला और कमजोर था। आए दिन बीमार पड़ा रहता था। आयु 19 वर्ष की हो चुकी थी पर देखने में 13 वर्ष से अधिक ना मालूम पड़ता था। लड़के को उनके कुलगुरु ने गायत्री की उपासना का आदेश दिया। उसका मन इस ओर लग गया। एक एक करके उसकी सब बीमारियां छूट गईं। कसरत करने लगा, खाना भी हजम होने लगा। 2-3 वर्ष में उसका शरीर ड्योढ़ा हो गया और घर का सब कामकाज होशियारी के साथ संभालने लगा। प्रयाग के श्री मुन्नूलाल जी के दोहित्र की दशा बहुत खराब हो गई थी। गला फूल गया था। डॉक्टर अपना प्रयत्न कर रहे थे पर कोई दवा कारगर नहीं होती थी। तब उनके घर वालों ने गायत्री उपासना का सहारा लिया। रात भर गायत्री जप तथा चालीसा का पाठ चलता रहा। सवेरा होते होते दशा बहुत कुछ सुधर गई और 2-4 दिन में वो पुनः खेलने कूदने लग गया। आगरा निवासी श्री रामकरण जी किसी के यहाँ निमंत्रण पाकर भोजन करने गए। वहाँ से घर लौटते ही उनका मस्तिष्क विकृत हो गया। वे पागल होकर इधर उधर फिरने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी जांघ में ईंट मारकर उसे खूब सजा दिया। उनका जीवन निरर्थक जान पड़ने लग गया। एक दिन कुछ लोग परामर्श करके उन्हें पकड़कर जबरदस्ती गायत्री उपासक के पास ले गए। उन्होंने उनकी कल्याण भावना से चावल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उनके शरीर पर छींटे मारे, जिससे वो मूर्छित के समान गिर गए। कुछ देर बाद वे उठे और पीने के लिए पानी मंगा। उन्हें गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पिलाया गया, जिससे कुछ समय में वे बिल्कुल ठीक हो गए। इस प्रकार के कई और प्रमाण भी मौजूद हैं, जिससे ये प्रकट होता है कि गायत्री माता का आंचल श्रद्धापूर्वक पकड़ने वाला मनुष्य कभी भी आपत्तियों में नहीं पड़ता और पड़ भी जाए तो उसे अवश्य ही छुटकारा मिल जाता है। आज के लिए इतना ही।